morning, dear student. Myself, Pradeep Sharma. Dear student, today I will continue your revision and explanation of the globalization and the Indian economy. So, dear student, जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आप एक बार अपनी नोटबुक से और दूसरा टेक्स्ट बुक से दोनों से आप जरूर पढ़ लीजिएगा. इसमें बोर्ड में से क्वेश्चन जरूर आता है. अभी तक जो हमने इसको एक्सप्लेन किया उससे आगे हम अभी आपको पढ़ाएंगे. तो हमने पहले इसमें आपको बता दिया था कि एमएनसी की जो क्या डेफिनेशंस हैं, एमएनसीज कैसे काम करती हैं, एमएनसीज का आज के डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये सब बताया था. इसकी डेफिनेशन के बाद में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सभी हम बता चुके हैं आपको. और एमएनसीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये भी हमने वर्बली आपको बता दिया था. तो आज हम बात करेंगे कि एमएनसीज के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एमएनसीज को किसी दूसरी कंट्रीज में अपने आप को इस्टेब्लिश होने के लिए मौका देता है. ऐसे कौन कौन, वो हमने बता दिया था आपको कि, लेकिन फिर भी आपके जो टेक्स्ट बुक के अनुसार भी हम आपको बताएंगे. तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो हम आपको दे चुके हैं, ये सब क्लियर हो चुका है. ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेवलप हो रहा. पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस प्रकार का था, आज की डेट में इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप सबसे देखिए, फैक्टर्स दैट हैव द अनेबल्स ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को योग्य बनाते हैं. सबसे पहला है टेक्नोलॉजी. अब एक टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले विशेष बात समझिएगा कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है आपके पास में, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप जो है अच्छी टेक्नोलॉजी ले जाने के बाद में आप किसी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, आपने इस्टेब्लिश की, ठीक है, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी बिना जाने पहचाने की. जिस कंट्रीज में गए हैं वहाँ तो हमसे भी बेटर टेक्नोलॉजी है, हमसे अच्छा प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो जो वहाँ का जो माल बनेगा तो वो अच्छा माल होगा, तो वहाँ के लोग उसी को खरीदेंगे, आपका क्यों खरीदेंगे. आप बाहर से आए हैं, यहाँ दूसरे कंट्रीज में ज़मीन लेंगे, फैक्ट्रीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे, और बहुत सारी पाबंदियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी, तो आपका तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. उसका खर्च का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप मेरी बात गौर से समझ लें, अच्छी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड इंटीग्रेशन जो हो रहा है, रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हो रहा है, वो भी एक विशेष फैक्टर है, ए मेजर फैक्टर है टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का, आप मेरी बात गौर से समझ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का. फॉर इंस्टेंट अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं, तो इसमें देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या देखते हैं. द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स. अगर हमने 50 साल पहले की बात देखी है, कि 50 साल पहले अगर हम देखेंगे लास्ट 50 ईयर्स की, तो हमने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. सबसे मेन चीज़ आपको मैंने बताया था अभी इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके मेन दो कारण है आपका, एक तो ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है. बिल्कुल बात समझिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय हमारा जो है ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, आप मेरी बात, तो उस समय हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो जो स्टेट लिस्ट है और आपका जो है सेंट्रल जो आपका लिस्ट है उसमें कहीं नाम नहीं था. तो इसके लिए हमने जो इश्यूज़ बाद में आए, जैसे ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें फिर जो क्राइम भी होने लगे, उसके रूल और रेगुलेशन बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में डाले थे हमने. तो दिस हैज़ मेड मच फैक्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द, हाँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप है तो आप डिलीवरी कहीं भी किसी भी सामान की ले लो. आज की डेट में पूरे इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में ले लो किसी भी सामान की, चाहे वो कहीं भी मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और चाहे कहीं भी असेंबल हुआ है, मेरी बात गौर से समझ रहे हैं आप, चाहे वो कहीं भी मैन्युफैक्चर्ड हुआ है चाहे कहीं भी असेंबल हुआ है वो, तो वो अगर आपको डिमांड करोगे, कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलपमेंट है, आप तुरंत फ़ोन से बुक करिएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना डेवलपमेंट है कि आपके 3-4-5 दिन या 1 वीक में, अगर विदेश से भी है तो 1 वीक के लगभग जो आपके पास में सामान आराम से आ जाता है. जहाँ महीनों महीनों जाने में लगते थे, वहाँ आपको जो आज की डेट में बहुत कम समय में काम हो पा रहा है. तो इसने क्या है, ट्रेड को बहुत ईजी बना दिया है. किसने बनाया ट्रेड को ईजी, आप बता सकते हैं, टेक्नोलॉजी ने. किसने बनाया आपको, टेक्नोलॉजी ने बनाया. किसने बनाया, टेक्नोलॉजी ने बनाया. तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू इम्प्रूव द या टू इंक्रीज द ग्लोबलाइजेशन सिस्टम. अब इसमें कंटेनर्स, अब देखिए इसमें कंटेनर दिया हुआ है. अभी पहले बुग्गी भैंसा दिखा रहे थे हम, आपने देखा देसी, अब यहाँ देखिए कंटेनर है.
ये क्या है, बड़े बड़े कंटेनर हैं, क्या है ये शिप में, इसमें माल लोड हो जाता है, माल लोड होने के बाद इसे क्रेन उठाकर कहाँ रख देती है आपका, शिप के अंदर रख देती है। ये शिप दिया हुआ है आपका, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर जो ये जट्टी है और यहाँ आगे आपका समुद्र में आपका शिप होगा, तो इसमें क्या है वो लोड कर देती है। ठीक है, अब देखिएगा इतना सामान है, ये बहुत बड़ा एक ये कंटेनर दिए हुए, 1 2 3 4 आप इन्हें काउंट करेंगे तो बहुत सारे कंटेनर दिए, सब में माल भर जाते हैं, बड़े बड़े आपने ट्रक में देखे होंगे। जैसे अब बोला सर कंटेनर यहाँ कैसे पहुँचते हैं, जब आप सड़क पर चलते हो तो बड़े बड़े ऐसी लंबी गाड़ी मिलेगी पीछे, ट्रक मिलते हैं और वो कंटेनर होता है उसमें माल भरा हुआ होता है, वो शिपयार्ड तक जाते हैं जहाँ पे शिपिंग होती है, जहाँ जट्टी होती है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर शिप होता है पानी में, यहाँ पर पानी में शिप है और शिप जो यहाँ पर ये लोड कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो विदेश में चला जाता है, तो इसी प्रकार से विदेश से भी माल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा आज की डेट में सिस्टम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा ज़्यादा माल भी लगता है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा मैंने बताया था कि रिमार्केबल डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले तो तार करते थे, चिट्ठी जाती थी, आज की डेट में तो अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से आप बात कर लो, खेत में बात कर लो अपने, ठीक है जंगल में चले जाओ वहाँ बात कर लो, भाई इतना सिस्टम बढ़िया हो गया है, लाइव बात हो जाती है। टेक्नोलॉजी इन एरियाज टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग द रैपिडली टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत जल्दी से आपका चेंज आ रहा है, आप देख सकते हैं। इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स फैक्स आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। भाई मोबाइल फ़ोन भी है, फैक्स सिस्टम भी है कि जिससे कि हम एक दूसरे पूरे संसार में हम जुड़ सकते हैं, तो इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, हमने बता दिया आपको, अगर कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, मैंने कहा ना आज की डेट में रिमोट एरिया से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आज फैसिलिटी होगी। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट। ये सब कैसे हुआ, सैटेलाइट से, बस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन सिस्टम सब जगह है, सिग्नल सब जगह है। ठीक है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा, लेकिन है, ऐसा नहीं है आज की डेट में। एज यू वुड बी अवेयर कंप्यूटर हैव नाउ इंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन द एक्टिविटी। आज की डेट में आप जानते होंगे कंप्यूटर का तो हमारे जीवन की कोई भी एक्टिविटी जो उसमें बहुत बड़ा रोल हो गया है। एजुकेशन की बात कर लें, चाहे बिजनेस की बात कर लें, कोई भी काम कर लें, उसमें काउंटिंग के लिए काम कर लें, चाहे लाला लोग भी करते हैं दुकान के लिए भी, उसमें भी कंप्यूटर लगा देते हैं क्योंकि सब सिस्टम उसमें पूरा प्रोडक्ट की लिस्ट और मार्क्स वर्क सारे आ जाते हैं। यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द, ठीक है, इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट में तो आपको मज़ा ही आ रहा है, पूरा ऑनलाइन क्लासेज इसमें चल रहा है तो आप देख रहे होंगे, यू आर इंजॉइंग। लेकिन आप बोर्ड की क्लास में हैं तो थोड़ा सा इसको स्पेशली इंजॉय ना करके एक सीरियसली वे में आप तैयार करिएगा। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग। ठीक है, तो आप कहीं भी कोई जो चीज़ भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कहीं पर भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम भी मेल के थ्रू कर दीजिएगा, वॉइस मेल भी है, वीडियो मेल भी है, आप वीडियो वॉइस आप कॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपका थोड़ा सा बताएंगे, देखिए हमारे जो ये शायद कोई प्रिय स्टूडेंट होंगे जो अभी SST नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और जब पेपर आएगा तो इस प्रकार से सिर में हाथ रख कर बैठेंगे, तो बट वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहाँ है। ये सिस्टम इसके साथ में भी है कि सारा अगर बिजली नहीं है, अगर सिस्टम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, तो आपका कहाँ हो जाएगा। यूजिंग इन इट ए ग्लोबलाइजेशन, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और IT इन शॉर्ट में बोलते हैं आपको आप लोग, ठीक है, हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। IT का क्या रोल है, कॉल सेंटर वाले बात करते हैं, हाँ जी हमारे पास में जो ये माल है आपको बताइए, होम डिलीवरी चाहिए, आप सामान बुक कर दीजिएगा, कहाँ से करा आपने, कॉल सेंटर से बुक किया, कॉल सेंटर वाले फ़ोन से कंपनीज को बताते जहाँ उनका सेंटर होता है वो सिटीज में, वहाँ पर आपका प्रोडक्शन वो जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, आराम से हो जाता है, ऐसे विदेशों में भी होता है। ठीक है, यूजिंग इट IT